हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम राउत, थर्ड एमबीबीएस स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और आज हमारे साथ है डॉक्टर पोषण लाल बिसेन सर, इज एमडी जनरल मेडिसिन। और ये सर करंटली सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया में एज अ कंसल्टिंग फिजिशियन कार्यरत है। सो वेलकम सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस चांस। तो सर, आपने आपका यूजी कहाँ से हुआ था एमबीबीएस? मेरा यूजी हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला से। अकोला से? और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। अच्छा, तो सर आपको मतलब काम करते हुए कितने साल हो गए हैं जब से आपका मतलब मेडिसिन पीजी हुआ है? मेरे को पीजी के बाद से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो आप सहयोग हॉस्पिटल में ही 5 साल से है। ओके सर, तो आप एज ए जनरल मेडिसिन आपने पीजी किया था अपना, तो सर आपने इसी ब्रांच को क्यों चुना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको बाकी ब्रांचेस भी मिल सकती थी अगर आपको मेडिसिन मिल रहा है तो इस पे आपका क्या कहना सर? एक्चुअली जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हमारे टीचर थे मेडिसिन में राजकुमार चौहान सर। हाँ। तो वो मुझे बहुत लाइक करते थे, वो राउंड्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे मेडिसिन के और उनका आंसर मैं देता था। और मैं जो मेडिसिन का वार्ड था उसमें बहुत बिजी रहता था, मतलब 9 बजे के बाद में जो अपना होता है राउंड्स वगैरह, उसके बाद में मैं 3-3, 4-4 बजे तक किसी का टैपिंग करना है, ब्लूटूथ टैपिंग, पैरासेंटेसिस है, ये सब एक्टिविटी करता था। तो उसके कारण मुझे उस फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मेरा पहला चॉइस मेडिसिन ही था। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है अगर आप मेडिसिन नहीं कर रहे होते तो अभी नेक्स्ट मतलब सेकेंड टॉप चॉइस आपकी क्या थी? नहीं, मैं जब एमबीबीएस के बाद बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर करके काम कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन के अलावा मेरा अगर सेकंड चॉइस रहता तो ऑप्शन ही होता, क्योंकि मैं उस टाइम देखा कि पेशेंट जो है पेरिफेरी में फीमेल पेशेंट्स है, उनको बहुत नीड है और बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। और दूसरा कैसे कि वो डिलीवरीज करते करते, नॉर्मल डिलीवरीज करते करते, या फिर किसको कैसे मैनेज करना है, या फिर डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशन है एएनसी में, इक्लेम्प्शिया इन एएनसी, एनीमिया इन एएनसी, ये सब मैनेज करते करते मेरा ऑप्स का बुक बहुत सारा, यानी करीब करीब पूरा का पूरा पढ़ के हो गया था। क्योंकि उस टाइम व्हाट्सअप वगैरह उतना ये नहीं था कि हम बाकी लोगों को इतना आसानी से उनकी हेल्प ले सके, तो उसके कारण मेरा जो सेकंड चॉइस अगर मेडिसिन के बाद बोलेंगे तो ऑब्सगाइनी था। अगर मेरे को ये नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली ऑब्सगाइनी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर आपका आपको मेडिसिन और ऑब्सगाइनी दोनों में इंटरेस्ट है बोल सकते हैं। तो सर आपने आपके पीजी वगैरह होने के बाद कई टीचिंग वगैरह किए क्या, जैसे प्राइवेट टीचिंग, जैसे कोचिंग वगैरह लेना फॉर एग्जाम्पल? टीचिंग तो नहीं किया मैंने, लेकिन जो महाराष्ट्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है, जो मोस्टली बीएमएस और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको पोस्ट मिलती है, तो उनका मैं मेडिसिन का क्लास, यानी गोंदिया में जितनी भी बैचेस हुई है सभी बैचेस का मैंने मेडिसिन का क्लास लिया है, तो उस माध्यम से टीचिंग की। तो आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है? ओके सर, तो जैसे अब आप मतलब एक स्टेबल जॉब पे है, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एक एवरेज डे कैसा लगता है? मतलब आप समझो दिन में कितने घंटे की जॉब हो जाती है आपकी पर डे और पर वीक के हिसाब से? जॉब तो पर डे करीब करीब 12 घंटे की हो जाती है, सुबह से शाम तक के, और इन एवरेज सुबह का राउंड, ओपीडी और ये सब करते हुए 12 घंटे का एक दिन का शेड्यूल। 12 घंटे का एक दिन का शेड्यूल। ओके, तो सर आप मतलब दिन में पर डे कितने पेशेंट ऑन एवरेज देख लेते हैं? ओपीडी में ऑन एन एवरेज 35-40 पेशेंट, 35-40, और आईपीडी पेशेंट्स के राउंड वो अलग होते हैं। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है आपने अब तक के आपके करियर में सबसे ज्यादा पेशेंट पर डे कितने देखे थे? अभी तक के सबसे ज्यादा पेशेंट ओपीडी में मैंने 72 पेशेंट्स देखे हैं। अच्छा, ओके, तो सर आपको मतलब दिन में सोने कितने घंटे मिल जाता है? जैसे इतना बिजी डे होता है आपका, फिर आप फैमिली को टाइम देना है, तो इसमें आप अपनी स्लीप, क्योंकि स्लीप इम्पोर्टेंट होती है किसी भी के लिए भी, तो कितने घंटे आप पर डे मतलब नींद हो जाती है? सोने का ऐसा है कि मिनिमम 5-6 घंटे मिल जाता है, लेकिन कैसा होता है कि बहुत बार अगर मान लीजिए रात में पेशेंट आ गया, अगर पेशेंट को फिर अगर पेशेंट क्रिटिकल है उसको अटेंड करना पड़ता है, तो ऐसे इसमें बहुत बार सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बहुत बार आरएमओ का फोन आता है। अच्छा। पेशेंट अगर बैड है या उसके वाइटल्स इन्फॉर्म करने के लिए या कुछ सजेशंस लेने के लिए, तो बहुत बार स्लिप कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अगर स्टेबल स्लिप बोलेंगे तो वीक में 2 या 3 बार ही मिल पाती है, जब कोई फोन कॉल या ऐसा क्रिटिकल पेशेंट के लिए जाना नहीं पड़ता, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी 5 घंटे तक मिलती है।
तो डिपेंड करता है कि कौन सी रात कैसी निकलेगी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सर अगर आप ऑन कॉल है तो आपको रात को भी आना पड़ता है। तो सर आप जैसे पेशेंट चेक करते, तो हर आपके पास अलग अलग डिसीज वाले पेशेंट आते हैं, इन सभी पेशेंट को आप कॉमन एडवाइस क्या देते हैं? ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं सबको एक ही चीज तो बाकी बताता हूँ पर एक चीज कॉमन बताता हूँ, ऐसा क्या लगता है? अभी देखो एमडी मेडिसिन कैसा है कि थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें सादे सर्दी खांसी वाले भी पेशेंट आते हैं, डायबिटीज हाइपरटेंशन वाले भी पेशेंट आते हैं जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, और क्रिटिकल भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है पेशेंट्स का। इसमें कॉमन जो एडवाइस हम देते हैं अधिकतर, अगर डायबिटीज हाइपरटेंशन पेशेंट्स को ही अधिकतर देते हैं तो एक्सरसाइज ये कॉमन एडवाइस है अभी। लेकिन मैं तो पेशेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है। अभी आजकल का जो जीवन है सभी का तनाव भरा जीवन है, इसमें सभी लोग स्ट्रेस रहते हैं, आजकल लोगों का समय की कमी है। अभी लोग हमारे ओपीडी में आते हैं तो बहुत बार पेशेंट रुकना नहीं चाहते, बहुत आजकल कैसा है कि सभी चीज़ें ऑन क्लिक, फोन के क्लिक पे होने लगी है। अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो तुरंत भेज सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप पैसे ले सकते हैं। उसी प्रकार से अभी पेशेंट का एटीट्यूड हो गया है कि वो ओपीडी में भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। तो पेशेंट्स का लाइफ स्टाइल जो है बहुत भागा दौड़ी वाला हो गया है, तनाव भरा हो गया है। तो उनको यही एडवाइस देता हूँ कॉमनली कि अच्छे से अच्छा समय व्यतीत करने की कोशिश करें और खुश रहें और एक्सरसाइज करते रहें, ये उनको सलाह देते। तो आप योगा वगैरह का भी एडवाइस करते हैं? योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रोज कम से कम 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करने की उनको सलाह देता हूँ। अगर हाइपरटेंशन पेशेंट है उनको बाकी एडवाइस जैसे नमक कम खाना है, शुगर पेशेंट को उनके डाइट के बारे में ऐसे एडवाइस। ओके सर, तो मुझे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं, ये थोड़ा सा अजीब है बट एक मुझे लगता है पूछना जरूरी है। हम सब एलोपैथी वाले हैं, मतलब मैं भी। तो सर आपको, आप कभी से आयुर्वेदिक की एक दो चीजें प्रैक्टिस में लाते हैं क्या अपने पेशेंट के लिए स्पेशली? हाँ लाते हैं, कुछ कुछ जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उनको हम यूज में लाते हैं। इसे कॉमनली आपने देखा होगा लियोफिप्टिटो टेबलेट, लियोफिप्टिटो कॉमनली पेशेंट्स खुद ही बताते हैं कि वो ये टेबलेट लेता है, या वो खुद ही कई बार पेशेंट खुद ही डिमांड करता है कि ये मेरे को लिख के दे दो ऐसा करके। तो कुछ कुछ चीजें आयुर्वेदिक की भी हम इसमें लिखते हैं और वो कॉमन प्रैक्टिस है, उस पर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कुछ नुकसान है करके, वो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। ओके, तो सर ये सब तो चीजें हो गई अपने वर्क लाइफ वाली, अब आपकी आफ्टर वर्क लाइफ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट थिंग क्या है, जैसे काम हो गया जॉब के बाद? नॉन मेडिकल मेडिकल फील्ड के अतिरिक्त जो किताबें हैं वो पढ़ना वो मेरी फेवरेट चीज़ है, लेकिन अधिकतर इसमें समय नहीं मिल पाता क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं, आईसीयू में एडमिट पेशेंट रहते हैं, या जो थोड़े रेयर प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, या कुछ कुछ एरियाज होते हैं, मेडिसिन अब इतना वास्ट है कि कुछ कुछ एरियाज जो है वो अच्छे से हम जो थोड़े हम जिसमें कमजोर हैं, तो ऐसे चीज़ों को पढ़ने में अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो पढ़ने में मैं वो वक्त देता हूँ अधिकतर। तो मेरा जो मेन मुख्य शौक है कि बाकी मेडिकल फील्ड के अलावा जो किताबें पढ़ने का, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, वो हो नहीं पाता। अच्छा। फिर भी कभी कभी जब भी मिलता है तो वो देखने का कोशिश मैं करता हूँ। ओके, तो सर आपको क्या लगता है आपको फैमिली के साथ पर डे कितना टाइम स्पेंड करने मिल जाता है, क्योंकि कम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना ही जरूरी होता है? देखिए ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं अगर रात का वो सोने का समय छोड़ दिए तो। अच्छा। बहुत बार कैसा है कि वो भी समय क्वालिटी समय नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत बार भी फोन पे, अपन घर में भी है लेकिन फोन पे आपको एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत बार व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स आती है उनको चेक करना पड़ता है, बहुत बार पेशेंट्स या पेशेंट के रिलेटिव फोन करते हैं, बहुत बार आरएमओ के फोन कॉल्स आते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जो हम उनको समय दे रहे हैं वो 100% दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी समय मिलता है वो भी 100% नहीं रहता, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे निकलते हैं। बहुत बार वो भी नहीं हो पाता, अगर मान लीजिए पेशेंट क्रिटिकल है, कुछ अदर इश्यूज है, तो ऐसे में वो भी समय मिलना जरा मुश्किल हो जाता है, या जिस प्रकार से मिलता है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं। अच्छा, तो सर ये एक मतलब माइनस पॉइंट है अपनी मेजर क्लिनिकल ब्रांच होने का, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, एक ये इसमें कैसा है कि क्रिटिकल पेशेंट्स अगर है तो एक दिमाग में कहीं ना कहीं वो ये रहता है उसके प्रति, ऐसा घर जाने के बाद एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं उसके टच में रहना पड़ता है, उसके कॉन्टेक्ट में आरएमएस
कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उसके वाइटल्स के बारे में इन्फॉर्म रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट कभी भी अगर बैड हो गया तो उसके लिए फिर जवाबदेही बनती है। सही बात है सर। तो घर पे फैमिली मेंबर्स कभी कंप्लेन भी करते होंगे आपकी किस आप मतलब आप अभी पैर सर एक फादर भी है तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, मतलब पापा से सॉरी पापा ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हमारे साथ, ऐसे कंप्लेन भी करते होंगे बच्चे। हाँ वो तो है, अभी ये कंप्लेंट तो बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है फैमिली का, जैसे जो कंप्लेंट है और ये कंप्लेंट आते रहती है कि भाई टाइम नहीं दे पाते। लेकिन कैसा है कि अभी हम जब कॉलेज में थे तो सैटरडे संडे आपने भी देखे होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑफ रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है सेकंड फोर्थ सैटरडे को। उस टाइम सैटरडे संडे का महत्व हमको उतना ज़्यादा पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी जब वो समय नहीं मिल पाता, इवन कभी कभी सैटरडे संडे भी बहुत बिजी जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि सैटरडे संडे और फैमिली टाइम का क्या महत्व है। तो फैमिली की कंप्लेंट रहती है, वो नेचुरल भी है, लेकिन सही में वो कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। ओके तो सर आप मतलब आप जब यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपको हॉलीडे कौन सा मिलता है, छुट्टी वाला दिन? छुट्टी वाला दिन तो वैसे संडे मिलता है, लेकिन ऐसा है कि बहुत बार संडे को भी कॉल पे आना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरे फिजिशियन रहते हैं तो उनको भी हर संडे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, इसलिए महीने में चार से अगर पकड़े ऑन एन एवरेज तो दो संडे ही मिलते हैं, अदरवाइज दो संडे को अवेलेबल रहना होता। तो सर आप ये तो अपनी लाइफ हो गई, तो आप छुट्टी कब निकाल के जाते हैं, मतलब आपको कब कब वैकेशन पे जाने मिलता है ऐसा आप बोल सकते हैं? फैमिली के साथ में वैकेशन पे जाने के लिए अधिकतर कोशिश करता हूँ कि कोशिश तो ऐसी रहती है कि महीने में एक बार जा सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता, तो फिर भी चार से छः महीने में एक शॉर्ट ट्रिप तीन दिन चार दिन का जाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो सर आपको ऐसे मतलब अपने रिलेटिव होते हैं तो कभी रैंडम फैमिली एडवाइस भी पूछते होंगे मेडिकल एडवाइस? अभी अब जब से व्हाट्सएप और ये सब अब इतना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण, तो रिलेटिव पूछते हैं, पेशेंट के रिलेटिव भी पूछते हैं। अच्छा, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो रिलेटिव ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन तो या मेडिकल एडवाइस तो लेते ही हैं। सर आपको क्या लगता है, आपको वियर्डेस्ट मतलब अजीब सी मेडिकल एडवाइस अब तक किसने पूछा है, दोस्तों में भी हो सकते हैं ऐसे कोई? जब कोरोना का समय था तब कुछ रिलेटिव ने पूछा था कि टमाटर से कोरोना होता है। अच्छा। ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन था। अच्छा ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जब से MBBS या फिर MBBS ही बोल सकते हैं, आपका UG पीरियड से अब तक फील्ड ऑफ मेडिसिन किस तरह से चेंज हुआ है, इमर्ज हुआ है, और आपको इसको फ्यूचर में आप किस तरह से जाते हुए देख सकते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? यूजी के समय से अभी तक जैसे देख रहे तो मेडिसिन बहुत सारा चेंज हुआ है। जैसे अगर हम इसके जनरल मेडिसिन की बात करें तो जैसे यूजी हमने जो PG किए तब हमारे टाइम में 6 सीट्स थी, अभी 12 सीट्स हैं उसी कॉलेज में। तो एक वर्क जो है बर्डन, वर्कअप बर्डन वो बहुत अभी केस में कम हुआ है। दूसरा कैसा है कि अभी जो PG के स्टूडेंट्स हैं वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। अच्छा। उनका उसके तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो जैसे अभी जैसे हम देख रहे हैं कि MBBS के टाइम में MBBS करते करते PG की तैयारी लोग करते थे, MBBS की इंटर्नशिप में वगैरह उतना फोकस नहीं करते और PG के लिए ज़्यादा ध्यान रहता है, उस प्रकार का धीरे धीरे अभी जो माहौल है वो PG के साथ में हो रहा है कि PG में सुपर स्पेशलाइजेशन की तैयारी करना, ये धीरे धीरे माहौल उसमें आते जा रहा है। तो इसमें पेशेंट केयर और ये सब के तरफ ध्यान कम हो रहा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक फोकस जो मेडिसिन का पहले ही था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि आप जब UG में थे तब आपके समय में बच्चे इतने PG की तरफ इंक्लाइंड नहीं थे? उस समय में इतने तो नहीं थे, उस समय इतने नहीं थे, बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई MBBS होने के बाद में कुछ साल गवर्नमेंट जॉब करना ही है, तो उसके कारण बहुत सारे लोग इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते थे। अच्छा। अब हमने इंटर्नशिप मैंने जहाँ से की GMC अकोला से, तो हमको इंटर्नशिप के टाइम में प्लूरल टैपिंग, पैरासेंटेसिस और बहुत सारी प्रोसीजर्स आती थी। अच्छा। जो हमने जब गवर्नमेंट जॉब किया इसमें बॉन्ड करने के समय में, तो वो हम
फ्रीली करते थे। और वही जो हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर से दूसरे, उन्होंने उस कॉलेज से किया था जहाँ इंटर्नशिप में उतना काम करने को नहीं मिलता था। अच्छा। तो उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं आती थी, तो अच्छा। ये फ़र्क तो है। और दूसरा कैसे कि उस समय और अभी पीजी की तरफ जो झुकाव है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीजी मिले। उस कारण इंटर्नशिप जो है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में सभी डिपार्टमेंट का अप्रोच अपने को होता है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अच्छा, तो सर आपको लगता है कि अभी भी बंदे, अभी भी स्टूडेंट्स उसी तरह से जिस तरह से आपने बोल रहे कि आपने सीखा अपने समय में इंटर्नशिप में, अभी भी वो लोग सीख सकते हैं बट वो सीखते नहीं है, थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं? हाँ, ये भी बात है कि अभी सीखना नहीं चाहते, लेकिन दूसरा कैसा है कि जिन कॉलेजेस में पीजी की सीट्स अवेलेबल है, हाँ। उन कॉलेजेस में कैसा है कि अधिकतर काम जो JR1 बताते हैं, हाँ। वो इंटर्न्स करते हैं। तो इंटर्न्स हमारे अधिकतर काम क्या कर रहे हैं, वो मामा मौसी वाले काम है, सैंपल निकालना, सैंपल लेके जाना, वही काम में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा कैसा है कि इसके बावजूद भी वो सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीखते, सीख सकते, लेकिन बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, अपना वर्किंग आवर्स में वो काम करके अपना काम हो गया ये सोच के चले जाते हैं। मतलब कैसे किसी भी प्रकार से अपना जो पोस्टिंग का ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करना, यही उनका उद्देश्य रहता है। तो अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते। दूसरा कैसे है कि वर्क पैटर्न भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। अधिकतर अभी इसमें हम देख रहे हैं कि ब्लड सैंपल ले जाना, रिपोर्ट्स लगाना, बस फाइलिंग का काम जो है, ये वाले काम ही इंटर्न्स लोग ज्यादा करते हैं, या अब उनको लगने लगा कि यही हमारे काम है, बाकी जो उन्होंने सीखना था ये बेसिक चीजें, अच्छा। ये उनको शायद पता ही नहीं कि ये अपन ने सीखना चाहिए। ओके। तो सर जैसे आपके समय में पर बैच कितने की स्ट्रेंथ होती थी? हमारे समय में पर बैच में 100 की स्ट्रेंथ होती थी। जीएमसी नागपुर में 200 की स्ट्रेंथ थी। अच्छा। बाकी ऑन एंड एवरेज सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 की स्ट्रेंथ थी। तो सर अभी हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अभी मैक्सिमम कॉलेजेस में सीट बढ़ा दी गई है, मतलब हर कॉलेज में। आपके समय में 100 की स्ट्रेंथ थी, अभी इस समय अकोला में 200 की स्ट्रेंथ है जीएमसी अकोला में, वही जीएमसी नागपुर में 250 की स्ट्रेंथ है यूजी बैचेस में। तो सर और अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, पहले उतना नहीं था, पहले कम थे, अभी ज्यादा हो रहे। तो डॉक्टर्स आगे के चल के समय में ज्यादा डॉक्टर्स निकलेंगे, तो इस ट्रेंड को लेके आपका क्या कहना सर? हाँ, देखिए जब मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया आफ्टर MBBS, तो जो RH रूरल हॉस्पिटल जहाँ पे 3 मेडिकल ऑफिसर एक क्लास 1 मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, तो एक भी RH ऐसा नहीं था उस जिले में, हाँ। कि जहाँ पे तीनों के तीनों मेडिकल ऑफिसर फुलफिल होंगे। अच्छा। एक या दो ही मेडिकल ऑफिसर रहते थे। लेकिन अभी देखिए आप, अभी लोग अगर जिसको बॉन्ड करना है वो अगर बॉन्ड के लिए अप्लाई करेगा तो ही शायद मुश्किल से उसको मिल पाता है। अच्छा। नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ने के कारण अवेलेबिलिटी जो है पेरिफेरीज में वो बड़ी है। अभी आप, हमने जब पहले देखा है शुरुआत में कि अगर 1000 पोस्ट के लिए निकली है तो मुश्किल से 2,500 एप्लीकेशन आते थे। अगर वही सिनारियो अभी बहुत तेजी से बदला है, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बदले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पहले से। तो सर इस चीज का मेडिकल फील्ड में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या कहना चाहिए? अभी देखिए नए मेडिकल कॉलेज जो आ रहे हैं, कैसा है कि कोई भी चीज को एस्टेब्लिश होने में अच्छा खासा समय लगता है, 8-10 साल का समय लगता है। तो इसमें जो नए मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे आ रहे हैं उनको उतना ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिल पाता, ये तो बात है। अच्छा। दूसरा कैसा है कि गवर्नमेंट जॉब या इसमें अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ने से एक थोड़ा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क पड़ा है पहले की तुलना में, कम हुआ है। हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो कम हुआ है क्योंकि अभी हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे जगह मशीनरीज अवेलेबल नहीं है। तो जो नए नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं तो सिर्फ एक रेफरल सेंटर जैसे बन के रह गए हो। मेडिकल कॉलेज को हम टर्शरी केयर के रूप में देखते हैं, टर्शरी केयर की सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, वो सुविधा है उस मेडिकल कॉलेज में नहीं है। बहुत सारे जगह देखिए सीटी स्कैन होता है लेकिन सीटी स्कैन फंक्शनल नहीं होता, MRI तो होता ही नहीं बहुत सारी जगह, हुआ भी तो अधिकतर समय पे बिगड़ा ही रहता है, तो पेशेंट को सुविधा नहीं मिल पाती। और वो जो यूनिट है, वो जो मेडिकल कॉलेज है जो नया नया खुला रहता है, उसे भी रेफरल सेंटर बनकर रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोलने चाहिए, निश्चित
रूप से खोलने चाहिए क्योंकि उससे टर्शियरी केयर लोगों को जल्दी मिलेगी, लेकिन साथ में वहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट को फुलफिल करना, मशीनरीज को फंक्शनल रखना, उनकी अवेलेबिलिटी करना, जो अपने यूनिट्स ये है डिपार्टमेंट्स हैं उनको वेल इस्टेब्लिश रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में टीचर्स उसमें रखना ताकि बच्चों को बेड साइड टीचिंग अच्छी हो सके, या वो होना चाहिए, ये नहीं हो पाता, इसीलिए अभी बहुत सारे बच्चों का अच्छा सीखने का मौका नहीं मिल पाता। अच्छा, ओके, तो सर आप ये भी बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बढ़े आगे चल के अमॉन्ग डॉक्टर्स कॉम्पिटिशन भी उतना ही बढ़ेगा, और अभी भी बढ़ गया है ना ऑलमोस्ट, क्या ही बचा है। निश्चित रूप से अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ यूजी सीट्स बढ़ी है, नंबर ऑफ पीजी सीट्स बढ़ी है। पहले 1:1 रेशियो होता था पीजी में, अभी 1:2 कर दिया है, उसके कारण नंबर ऑफ पीजी सीट्स बढ़ी है, नंबर ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन की सीट्स बढ़ी है, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इससे कैसा है कि फायदा तो है, क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं कि कुछ कुछ स्पेशलिटी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं थी, वो अब डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में अवेलेबल होने लगी हैं। आप आज से देखेंगे कि आज से 4-5 साल बाद तालुका प्लेसेस में भी बहुत सारे स्पेशलिटी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये कॉम्पिटिशन के कारण निश्चित रूप से लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, ऐसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमाण में जो एक्सेस टू हेल्थ केयर, इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये तो निश्चित रूप से लोगों को मिल रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सलाह, सही समय पे सही सलाह मिलनी चाहिए, इसकी जो कमी थी ये आने वाले कुछ समय में निश्चित रूप से ये इसका अंतर कम हो जाएगा। दूसरा कैसा होता था कि पहले नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम थे, तो एक एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने पड़ते थे, उसमें शायद कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें इवेल्युएट नहीं हो पाती थी, लेकिन अब वो आप आने वाले कुछ समय में देखेंगे कि वो सीन कहीं ना कहीं वो रेशियो बदलेगा, इसके कारण लोगों को एक अच्छा इजी टू एक्सेस हेल्थ केयर और अच्छे इसमें कम दूरी तय करते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। तो सर ये कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा है अपने समाज के लिए। हाँ, अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलने के साथ में उन मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी शिक्षा या अच्छा बच्चों को अच्छा सीखने का मौका मिले, ये भी इंश्योर कराना जरूरी है। सिर्फ नए मेडिकल कॉलेजेस खोल के हम डॉक्टरों की अनट्रेन फोर्स तैयार करना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए, लेकिन उनको भी उतना सुसज्ज बनाना चाहिए, उसके बाद ही उसमें ये सब MBBS और के कोर्सेज इंप्लीमेंट करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो सर आप अपने UG पीरियड से इस मेडिकल फील्ड को देख रहे हैं, अपने भारत की मेडिकल फील्ड, आपको क्या लगता है अगर आप कोई एक चीज या एक दो चीज इस फील्ड में चेंज कर सकते हैं, आप अपने आपको अगर आपको पावर दी जाए आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, तो आप पूरे सिस्टम में क्या चेंज करना चाहेंगे? आपको इतना मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका कि नहीं आपके साथ मतलब आपको लगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो जाता पेशेंट के लिए, ऐसा क्या लगता है सर आपको? मेडिकल फील्ड में पेशेंट्स को जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलनी चाहिए, वो इजीली मिलनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, लेकिन साथ में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल, अभी हम देख रहे हैं कि भारत आज़ाद हुआ तब से अभी तक अगर हम देखें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का अगर हम सेटअप देखें तो अधिकतर हेल्थ सुविधाएं जो है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है इस पॉइंट गवर्नमेंट के बजाय। उसके बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो अमीर वर्ग है वो अधिकतर प्राइवेट के तरफ जाता है, जिसका पैसे नहीं है या गरीब है वही मेडिकल कॉलेज में इलाज करता है, ये अभी का सीन है। तो जो आर्थिक रूप से सबल व्यक्ति है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है। दूसरा कैसा है कि हाइजीन और बाकी सुविधाएं या वहाँ की भीड़, इसके कारण भी मिडिल क्लास उसमें जाना पसंद नहीं करता है, तो ये अपने को सीन बदलना पड़ेगा। अपन ने इतने सालों में जो हेल्थ केयर में चेंजेस होने चाहिए थे, जितने आमूलाग्र परिवर्तन होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं नहीं हुए, और कोरोना जैसी महामारी ने ये निश्चित रूप से अपने को दिखा दिया है कि हेल्थ केयर में कितनी डिफिशियंसीज हैं, उसके बावजूद भी हम शायद उतने नहीं सुधर रहे हैं जो हमको हेल्थ केयर में चेंजेस करने चाहिए। ये अफोर्डेबल होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए,
और साथ में एक सामान्य आदमी भी गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सके, इस दर्जे का उसको होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो सर आपको लगता है कि जो सुविधा अपने को प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है उतनी ही सुविधा गवर्नमेंट ने अपने को ये अफोर्डेबल आम जनता के लिए भी अवेलेबल करा देनी चाहिए। हाँ निश्चित रूप से ये होना चाहिए, चेंजेस एक दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह क्या होता है कि वहाँ प्राइवेट ये सीन ही नहीं है, सभी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, और वहाँ कैसा है कि लोगों को खुद के बिल पे नहीं करने पड़ते, मतलब उनकी सैलरी से इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है कि आपको कुछ भी हुआ तो आपका सब इंश्योरेंस है ऐसा। लेकिन वो हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि अगर गरीब बीमार हुआ तो गरीब और गरीब होते जाता है ऐसा है, क्योंकि उसको हेल्थ इंश्योरेंस क्या है ये इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि बीमारी के कारण बहुत लोग पैसों के डर से कई बार बीमारी का इलाज नहीं कराते और बीमारी अपना बड़ा रूप धारण कर लेती है। हमारे देश में बीमारी जो है वो गरीब को और गरीब बना लेती है, तो ये परिवर्तन जो है ये लाना बहुत जरूरी है, ताकि हर किसी को हेल्थ केयर या स्वास्थ्य जो है वो उसके अधिकार में आना चाहिए, इसके लिए काम होना जरूरी। तो सर आपने एक बात कही कि इंश्योरेंस होना चाहिए, या मैक्सिमम लोगों को इसके प्रति जागरूक नहीं रहते ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति। मुझे पता है मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे फैमिली के आसपास, तो आपको लगता है कि होना ही चाहिए? निश्चित रूप से हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, और ये बिल्कुल निचले क्षेत्र में या नीचे के तबके तक कैसे उसको हम इसमें कर सके, इंश्योरेंस कर सके, और उन सभी लोगों को कैसे सुविधा मिल सके उसके बारे में जरूर विचार होना चाहिए। ओके, तो सर आप एक चीज़ मैं आपने आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जब हमने शुरू किया भी बातचीत तो आपने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किए थे कि आप मेडिकल की पढ़ाई अभी भी करते रहते हैं, मतलब जो चेंजेस है इम्प्रूवमेंट है मेडिकल फील्ड में, तो सर आप इस पे थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप अप टू डेट कैसे रहते हैं रिसेंट मेडिकल एडवांसमेंट से? देखिए अब तो कैसा है कि बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिससे हमको रिसेंट एडवांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आपको अगर कुछ भी नया आर्टिकल चाहिए उसके बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो बहुत आसान है। तो अभी तो मुख्य रूप से मोबाइल के माध्यम से जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट ऐप्स हैं, उनके हेल्प से अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सर आपको क्या लगता है, जब से COVID-19 पैंडेमिक आया है तब से फील्ड ऑफ मेडिसिन या आपकी खुद की प्रैक्टिस किस तरह से चेंज हुई है, क्या उसने इफेक्ट डाला है अमाउंट मतलब अपने भारत के हेल्थ व्यवस्था पे और आपकी आपके प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस पे? कोविड के बाद से सुधारना तो हुई है, लेकिन जिस प्रकार से एक ये था कि सुधारना होगी हेल्थ सिस्टम में, उतनी सुधारना होती नहीं दिखाई देती। कोविड के बाद से पेशेंट बहुत जागरूक हो चुके हैं, पहले सादा जो सर्दी खांसी था वो उसको उतना लाइटली लोग नहीं लेते, उनको समझ में आ गया है, और निश्चित रूप से अभी जिन लोगों को जानकारी है वो इंश्योरेंस के बारे में जागरूक हो चुके हैं, किस प्रकार से बीमारी सब कुछ तबाह कर सकती है इस बारे में वो लोग जागरूक किए हैं, और एज ए डॉक्टर हम लोग भी इस बारे में जागरूक हुए हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं ये किस प्रकार से घातक साबित हो सकती है, और यानी ये जो पैंडेमिक है इसमें बहुत सारी जो हेल्थ सेक्टर की कमियां हैं इनको भी उजागर किया है, इसलिए इस बीमारी के बाद से बहुत प्रमाण में डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का भी नज़रिया बदला है। अच्छा, ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जब से आपने PG किया है अपना तब से ही बोल सकते हैं ना कि आपने एक्चुअल प्रैक्टिस अपनी शुरू की है, तो सर तब से मैं चाहता हूँ कि आप एज ए एडवाइस आप मेडिकल स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे इस रूप से बताइए कि आपने अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया। जैसे हम होते हैं ना कि MBBS कर लिए PG भी कर लिए तो फिर भी एक रहता है कि और ये भी है कि लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट होता ही है हर किसी का, तो आपने क्या किस तरह से आप खुद को इम्प्रूव किया आप कह सकते? मैं तो ये बोलूँगा कि MBBS के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो समय है, जैसे हम पोस्टिंग में पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, टीचर हमको उसका एग्जामिनेशन बाकी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन जब से ज़्यादा अपना पेशेंट का कांटेक्ट
अगर आता है तो MBBS के बाद वो इंटर्नशिप में आता है, तो मैं अभी वही एडवाइस करूँगा कि सबको अपनी इंटर्नशिप ईमानदारी से करनी चाहिए, अधिक से अधिक तक चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो इंटर्नशिप ही एक ऐसा दौर है कि जहाँ पे अपन सभी डिपार्टमेंट से होकर गुजरते हैं। उसके बाद में जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आता कि सभी डिपार्टमेंट से अपन होकर गुजरे। उसके बाद में आपने कैसे कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिटी कर दी तो आप उसी के होकर रह जाते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में आप सभी चीज़ों से होकर गुजरते हैं। आप PSC में काम करते हैं, आप स्किन में काम करते हैं, ऑप्थल में, ENT, हर डिपार्टमेंट से होकर गुजरते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इंटर्नशिप अगर फ्रेम किया है तो उसके पीछे ये उद्देश्य है कि अपने को हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन नहीं लेकिन उसकी बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप ईमानदारी से करनी चाहिए। दूसरी बात, जिनका स्पेशलाइजेशन हो चुका है उनको अप टू डेट रहने की तो बहुत आवश्यकता है। तो लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म और ऐप्स के माध्यम से अपने को अप टू डेट रख सकते हैं, ये डे टू डे लाइफ का पार्ट है, लेकिन स्पेशली MBBS स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप में फोकस करना। ओके, तो सर आप हमको बताइए कि आपने अब तक आपके करियर में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, पर्टिकुलरली मतलब प्रोफेशनली, और आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, सब कुछ आपको याद है कुछ एक दो एग्जांपल? चैलेंजेस तो देखिए कैसा है कि अब रोज ही आते हैं, क्योंकि अभी अगर अपने अंडर में कोई पेशेंट एडमिट है तो उसको कैसे बाहर निकालना है, क्रिटिकल पेशेंट्स अगर एडमिट है तो वो एक चैलेंज ही रहता है। उसको अपन कैसे उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं। अभी देखिए कोविड के इसमें बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, कोई पेशेंट आज अपने को शाम को अच्छा दिख रहा है तो दूसरे दिन पता चला कि वो नहीं रहा, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है। इसमें इमोशनल भी चैलेंजेस होते हैं बहुत बार, कि अपने को ऐसा लगता है कि अपन विन-विन सिचुएशन में है और उसके विपरीत होता है बहुत बार। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अपन हम डिस्कस करते हैं, अपने कलीग्स के साथ में डिस्कस करते हैं, बाकी लोगों की सलाह लेते हैं, या हमारी तो उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं रही है, उसमें कुछ हम कम तो नहीं गिर गए, इसको खोजने का प्रयास करते हैं ताकि आगे चल के उसको और भी अच्छे से सुधारा जा सके। अच्छा, तो सर आपको अभी तक लगता है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ फेलियर्स आए क्या आपके लाइफ में, अगर आए हो तो, और आपने फिर किस तरह से उनसे निकलने की कोशिश की? फेलियर मतलब देखिए, कोई भी अगर क्रिटिकल पेशेंट एडमिट है अपने इसमें और अगर वो नहीं बच पाता है, हम उसको नहीं बचा पाते, तो एक प्रकार से लगता है कि हमारा फेलियर ही हो गया। हर बार ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी पेशेंट की डेथ फेलियर ही लगती है, और बस वही है, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, ओके, तो सर आपने अभी तक अपने करियर में कुछ मतलब क्या इम्पोर्टेंट लेसन आपने सीखे है ऐसा लगता है आपको, और उन लेसन ने आपका पेशेंट केयर के लिए अप्रोच किस तरह से चेंज किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए MBBS में हमको सबसे, जब हम सेकंड MBBS में होते हैं, सबसे पहले सिखाया जाता है कि हिस्ट्री कैसे लेना चाहिए, लेकिन हम हिस्ट्री कम लेते हैं और सीधे एग्जामिनेशन पे जंप करते हैं। लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस जो करने के बाद में या इतने सालों के बाद में ऐसा ध्यान आता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हिस्ट्री ही है। अच्छा, ठीक है, तो पेशेंट का सुनना और पेशेंट का पेशेंस से सुनना, पेशेंट को पेशेंस से सुनना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से अपने को उसका बहुत सारी जानकारी मिलती है। अभी ऐसा होता है कि बहुत बार कैसा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट होने के कारण हम बहुत हिस्ट्री ले नहीं पाते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग है, और हिस्ट्री टेकिंग के बाद ही अपने को एग्जामिनेशन की तरफ में जंप करना चाहिए। तो सर आप अभी भी इस लेवल पे भी आप हिस्ट्री टेकिंग को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं? हाँ, उल्टा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हिस्ट्री टेकिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छा, तो सर आप मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि आपके अंडर में मतलब ऐसा तो नहीं होता कि कभी पेशेंट डाई नहीं होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से टैकल करते हैं, मतलब इमोशनली वगैरह, और रिलेटिव से डिस्कस करना, तो रिलेटिव से डिस्कस करने का भी आपका अप्रोच क्या होता है? देखिए डेथ तो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल होता है कि पेशेंट को क्या तकलीफ से पेशेंट आया था। बहुत बार कैसा होता है, ये मुश्किल कब हो जाता है कि जब पेशेंट अगर यंग पेशेंट है, मिडल एज पेशेंट है, तो ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है, या पेशेंट बिल्कुल चलता फिरता था, अच्छा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव को एक्सप्लेन करना बहुत, उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि उनको बीमारी के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए
और क्रिटिकल लेवल यानी किस प्रकार से पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकल है और उसके जान का जोखिम बना हुआ है, इस बारे में उनको बताने की कोशिश करते हैं ताकि उनको समझ सके कि हर सिचुएशन अपने हाथ में नहीं है। बहुत बार सिचुएशन अपने हाथ में नहीं रहती और पेशेंट की जान चले जाती है, तो सबसे पहले हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन साथ साथ में रिलेटिव्स को बता के उनके भी माइंड की वैसी तैयारी कराना ये आजकल बहुत जरूरी है और उसी प्रकार से हमारी वो अप्रोच रहती है। यंग पेशेंट्स में ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सर आप खुद के इमोशनल साइड से कैसे हैंडल करते हैं, मतलब खुद को कि समझो अपना पेशेंट कोई डालता तो अपने को बुरा लगता ही है, इस चीज से आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए बुरा तो लगता ही है, कोरोना कोविड के टाइम में हमने देखे कि ये वाक्य बहुत बार होते थे, यंग पेशेंट्स की अगर डेथ हो गई या पेशेंट अपने को ऐसा लग रहा है कि अच्छा होने वाला है और सडनली कुछ ऐसा हो गया तो इसमें बुरा तो लगता ही था, लेकिन अब कैसा है कि शो मस्ट बी गो ऑन तो उस प्रकार का है। बुरा तो लगता है लेकिन कैसा है कि अब उसमें अपने कलीग के साथ डिस्कस करना और उसमें कुछ कमियां रह गई क्या ये खोजने का प्रयास करना और अगली चुनौती के लिए खुद को तैयार करना, इसके अलावा कोई पर्याय उसमें नहीं दिखता। अच्छा ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही मेरा कि आप पेशेंट के किसी डायग्नोसिस तक पहुंचे, कोई ओपीडी आरपीडी पेशेंट जो भी है, आप इस डायग्नोसिस को अगर वो क्रिटिकल डायग्नोसिस है तो वो रिलेटिव तक किस अप्रोच से आप उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो एंड ऑफ लाइफ डिसीजन है कि नहीं समझो कोई पेशेंट वेंटी पे है वो वेंटी पे रखेंगे तो ही बचेगा नहीं तो मतलब उसकी डेथ होना ही है, कई बार आपने से पेशेंट देखेंगे, तो इस चीज को आप किस तरह से पेशेंट के रिलेटिव से कम्युनिकेट करके उनको बताते हैं? ये जो है बीमारी को अगर मान लीजिए बहुत क्रिटिकल बीमारी है या पहली बार कुछ पता चला है या कैंसर के पेशेंट्स हैं तो ये डिक्लेयर करना या रिलेटिव को बताना थोड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है। तो बहुत बार तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले रिलेटिव को बताते हैं, पेशेंट्स को डायरेक्टली नहीं बताते। बहुत बार हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और उनको ब्लड कैंसर निकलता है या और दूसरे प्रकार की बीमारी निकलती है तो ये डिक्लेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा, तो इसमें हम सबसे पहले रिलेटिव्स को डिक्लेयर करते हैं। अभी एक डेढ़ साल पहले हमारे पास एक अम्मा आई थी, उनको सीए था पेनक्रियास का, लेकिन अभी उनके कुछ महीने पहले डेथ हुई, लेकिन अभी तक अंत तक उनको पता ही नहीं चला कि उनको क्या बीमारी थी करके, तो ये रिलेटिव्स का उनका इलाज कराते रहे, उन्होंने बराबर इलाज कराया ऐसा है। तो रिलेटिव को हम सबसे पहले बताते हैं, उनको विश्वास में लेते हैं ऐसा है। बहुत बार पेशेंट्स का ऐसा है कि कोई भी चीज को अगर इतनी बड़ी बीमारी है तो पहले तो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन धीरे 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 उसकी मन की स्थिति या उसको एक्सेप्ट करने लगता है ऐसा है। तो सर आपको क्या लगता है ये हार्ड जॉब है मेडिकल का, मतलब इतना सब करना ही पड़ता है, जो व्यक्ति सच में फील करता है उसको प्रॉब्लम तो होती होगी? ये बहुत हार्ड जॉब है एक्चुअली, इसमें फिजिकल इमोशनल ये सभी प्रकार से आदमी इन्वॉल्व रहता है। अपना फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करना है, अपना क्वालिटी टाइम कॉम्प्रोमाइज करना है, साथ में हमेशा आपको अप टू डेट रहना है, अपने काम पे फोकस करना है, पेशेंट्स के इमोशनल जो ये है आउटबर्स्ट है उसको हैंडल करना है, तो ये क्रिटिकल तो है मामला जरा। ओके तो सर आप इतने सब चीज़ों से एक मेरी मतलब डॉक्टर गुजरता है, तो सर आपको क्या लगता है इसमें अपनी वाइफ का मतलब जो अपनी धर्मपत्नी है उनका या सॉरी सर अपने पार्टनर का क्या रोल होता है इस सबसे इसमें सपोर्ट के लिए? पार्टनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मैं तो सुबह से मतलब शाम तक बिजी रहता हूँ, तो इसमें से बच्चों का अभी आजकल आप देखेंगे कि अभी की शिक्षा ऐसी है कि पहले वैसा नहीं था, लेकिन अभी पेरेंट्स को बिना इन्वॉल्व हुए बच्चों के पढ़ाई लेना जिन्हें लगभग असंभव हो गया अभी की शिक्षा में, तो उनकी मदर का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। वो उनका उनको सिखाना, उनके क्लासिक एक्टिविटी है ये उसका ध्यान रखना, ये सब रोल उनके तरफ ही जाता है, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अच्छा। तो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और साथ में बाकी भी चीज़ें जैसे होती हैं बच्चों संबंधी फैमिली संबंधी, तो उसमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो
बिना उनके सपोर्ट के तो संभव नहीं है। तो सर, और अगर अपना कोई पेशेंट डाई होता है, डीसी होता है, तो अपने ऊपर एक होता है ना टेंशन रहता है या बुरा लगता है एक इंसान को, तो ये चीज आप घर पे शेयर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ आज। आप मतलब किस लेवल पे हॉस्पिटल की बातें घर पे शेयर करते हैं या करना चाहिए, आप इस पे क्या एडवाइस देना चाहिए आपको? अधिकतर मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या ऐसे कुछ अनइवेंटफुल चीज़ें होगी तो फिर वो शेयर करता हूँ ऐसा है। और वो करने से कहीं ना कहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, उससे एक मानसिक आधार तो मिलता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो होती है ऐसा है, तो उसको अपने तक ना रखते हुए अगर शेयर किया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके सर, आपने अदर देन प्रैक्टिस कुछ रिसर्च या थेसिस वगैरह में कुछ ट्राई किया है? MD के जब कर रहे थे तो जो थेसिस होता है वो सबको MD में करना ही पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि थेसिस क्या है, तो ऐसे ही पेज भरने का काम होगा। अच्छा। तो मेरे को जो थेसिस था उसमें ऐसा था कि हाउ परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ सर्वाइवल किस प्रकार के हैं, वो दो जो स्कोर रहता है ग्रेस स्कोर, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना था। तो मैंने उसको अप्लाई किया जब मेरे ICU पोस्टिंग थी, और मैंने देखा कि वो जैसे उसमें है, जैसे पूरा पहले स्टडी हुई है, बिल्कुल वैसे के वैसा उसमें फिट बैठता है। अच्छा। तो फिर मैंने उसको सीरियसली लिया, और वो जो स्कोर था वो जितने भी MI के पेशेंट एडमिट होते थे उन सबके ऊपर अप्लाई किया और उसके बेस पे अपना थीसिस बनाया। तब मुझे समझ में आया कि सही में ये जो अगर इसको ईमानदारी से करने पर मुझे उसका बहुत खुशी हुई, और ऐसा समझ में आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च और इसमें अच्छे से काम करना चाहिए और थीसिस को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उसका सही में वो कितना बेनिफिशियल है या वो कितना लागू होता है पेशेंट पे, इसका अनुभव मैंने किया है। अच्छा, तो सर ये इतना इम्पोर्टेंट था पढ़ाई से। अच्छा, ओके। तो सर आप हम अपना इंटरव्यू खत्म होते आ रहा है, आप अपनी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे मेडिकल स्टूडेंट को जो स्पेशली जनरल मेडिसिन लेने की अप्रोच रखते हैं? जनरल मेडिसिन ऐसी ब्रांच है कि आपको आपको मतलब बैटिंग में सबसे पहले आना है और फ्रंट फुट पे खेलना है, इस प्रकार की ब्रांच है वो। तो इसमें आपको अपना बहुत सारा समय देना पड़ता है, क्वालिटी टाइम देना पड़ता है, इसके साथ में आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। ये ब्रांच ऐसी है कि इसमें बहुत वेराइटी है, बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली ब्रांच है, तो इसमें पैशन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अगर अपने को पेशेंट्स के प्रति पैशन है तो डेफिनेटली ये ब्रांच बहुत अच्छी है, और इसमें अपना समय और कहीं ना कहीं वर्कोहोलिक होना बहुत आवश्यक है, तभी इस ब्रांच का अपन सही में मजा ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्रांच है, फिजिक्स जैसा ब्रांच है ये। अच्छा। इसमें हर कोई चीज़ ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड रहती है, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्ट आता है। और जैसे हम देखते हैं कि CBI CID सीरियल एक के बाद एक कड़ी ऐसे ओपन करते थे, उस प्रकार की ये ब्रांच है, तो इसमें पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपको आपका डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बहुत सारा समय लेती जरूर है, लेकिन आपको बहुत अच्छा अनुभव देती है। तो सर, इसमें जितना आउटपुट है उतना ही ये एफर्ट भी उतना ही मांगता है? हाँ, एफर्ट तो डेफिनेटली लगता है, एफर्ट, डेडिकेशन, ये इस ब्रांच के लिए मस्ट है। तो सर आप क्या कह देंगे, किसी ने ये ब्रांच लेना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मैं वही बोलूँगा कि जिसको 9 to 5 करना है वो तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिसको ऐसा नहीं है, जिसको मतलब ये बिहाइंड द कर्टन्स वाला काम नहीं है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल आगे से खेलने वाला ब्रांच है, तो इसमें अगर आपका काम के प्रति पैशन है, डेडिकेशन है, पेशेंट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर बहुत बार कुछ लोग पेशेंट्स में इंटरेस्टेड उतने नहीं रहते, या पेशेंट्स से ज़्यादा ये कर, दूसरी बात कैसा है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, तो ये सब क्वालिटी या ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, और उसके बाद में अगर ये सब चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल है तो डेफिनेटली ये बहुत सुंदर ब्रांच। ओके, तो सर अभी मैं बोला कि ये लास्ट क्वेश्चन है, बट मेरे को और एक चीज़ याद आई पूछने के लिए कि जब आपने स्टार्टिंग में UG किए, आपने समझो फर्स्ट ईयर ऑफ रेसिडेंसी आपका चालू था जनरल मेडिसिन, उस समय आपको मतलब एक आइडिया, एक्चुअल आइडिया आ गया होगा कि ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच क्या चाहती है, क्या डिमांड रखती है,
तो सर आपको इस चीज को अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा और आपने किस तरह से इसको अडेप्ट किए, एक्सेप्ट किए और आपने आगे बढ़े, इस पर आप क्या करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहले से कहीं ना कहीं चॉइस तो था मेडिसिन के लिए, इसके कारण मेरे को कैसा अडॉप्ट होने में बहुत समय नहीं लगा। लेकिन देखिए कि फर्स्ट ईयर जो होता है रेसिडेंसी का, वो जीवन के जितने भी कठिन काल रहते हैं उसमें से एक कठिन काल आप बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ रेसिडेंसी। उस रेसिडेंसी में आपको भूख, प्यास, नींद इसका पता ही नहीं चलता, ऐसा है। तो आईसीयू में मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग लगी थी आईसीयू में, तो सुबह के 8 बजे से जाना होता था, तो फ्री होने तक रात के 10 बज जाते थे। तो नींद कैसे लगती थी, सुबह कैसे होती थी, वो आने वाले 4 महीने तक जितने दिन तक आईसीयू पोस्टिंग थी उसमें समझे ही नहीं। उसके बाद लगा कि वार्ड में कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहाँ तो और भी ये था। तो फर्स्ट ईयर ऑफ रेसिडेंसी जो है वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, लेकिन शुरू के 1-2 महीने में मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। पहले से बाय चॉइस था इसलिए मेरे को लगता है कि उतना अडॉप्ट करने में समय नहीं लगा। लेकिन साथ में जो कलीग्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके कारण भी ये जो ब्रांच है ये आईजीएमसी में पीजी करते हुए मेरे को बहुत आसान गया। अच्छा, तो सर मतलब जो व्यक्ति बस एक एज अ अट्रैक्शन इस ब्रांच में आना चाहता है, पैसा है, फेम है, उसने उसके लिए तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा आप कहेंगे ना? नहीं, पैसा और फेम तो देखो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि इसमें आप अपना समय, महत्वपूर्ण समय देते हैं, अपने फैमिली को समय नहीं देते लेकिन पेशेंट को समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ब्रांच मेडिकल फील्ड पैसा देता है। पैसा हर ब्रांच में है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है लेकिन पैसा हर ब्रांच में है। फेम निश्चित रूप से मेडिसिन में है, बाकी ब्रांचेस में है, मेडिसिन में है भी है, लेकिन सिर्फ इसके लिए मेडिसिन लेना तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। आपको पेशेंट केयर, डेडिकेशन और अपना एक महत्वपूर्ण समय ये देने के अगर आपको पसंद है तो ये आपको इस ब्रांच में आना चाहिए। ओके, तो सर ये लास्ट क्वेश्चन, आप अपने जॉब से ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितने सेटिस्फाइड है ऐसा आपको लगता है? मैं तो ऐसे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, बस थोड़ा सा जो फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज होता है वही एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, तो मैं तो 10 में से 9 मार्क दूंगा। अच्छा, ओके, तो सर थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में बहुत कुछ सीखने मिला इसके बारे में और एक कंसल्टेंट फिजिशियन की लाइफ कैसे होती है। थैंक यू सर, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिए और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।